तिवारीपुर थाना क्षेत्र की सूर्यविहार कॉलोनी में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अश्वनी उर्फ राकी पुत्र सुरेश निवासी गरुणपार थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त का पुराना भी आपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि फरार चल रहे दो और इनामी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, उप निरीक्षक विकास कुमार सिंह, कांस्टेबल सुधीर वर्मा, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र फिरोज अहमद शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्यविहार कॉलोनी में गोलीकांड की घटना हुई थी। उसमें जो सात्विक किस्म के अपराधी थे, उसमें से एक महिला गैंगस्टर सहित दो लोगों को जेल पहले ही भेजा जा चुका था। एक राकी उर्फ अश्वनी सिंह आज गिरफ्तार हुआ है और जिसे जेल भेजा जा रहा है। इस पर 15,000 रुपये का एसएसपी महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। और ये थाना गोरखनाथ क्षेत्र के एक एडवोकेट विजय श्रीवास्तव की हत्याकांड में भी शामिल था और सात्विक किस्म का अपराधी है। आज गिरफ्तार हुआ है, 15,000 का इनामी है, इसे गिरफ्तार कर दिया गया। हाँ, इसके पहले हमने आपको बताया ना कि एक वकील साहब हैं विजय श्रीवास्तव जी, उनकी गोरखनाथ क्षेत्र में गोली मार करके हत्या की गई थी वर्ष 2016 में, उसमें ये जेल जा चुका। अभी दो आरोपी और फरार हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। संभव है कि आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, इनाम उन पर भी घोषित है, दो अपराधियों पर इनाम घोषित है। इसके अतिरिक्त जो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं उनमें से भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी हम आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये कि जैसे ही हम गिरफ्तार करते हैं उनको नाम बताएंगे।